सो पेट्रोल फिल हो चुका है, चलते हैं अभी। सो गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो, दिस इज़ योर ब्रदर कुणाल। और आज का जो व्लॉग होने वाला है, काफ़ी टाइम बाद मैं राइड कर रहा हूँ अपनी बाइक से और जो मोटर व्लॉग बना रहे हैं, साथ ही साथ आज मैं आपको हाईवे पे जो अभी मैंने इसमें नया स्पीडोमीटर इंस्टॉल करने की कोशिश की है उसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। तो ये सब स्टार्ट हुआ था थोड़े टाइम पहले कि एक कमेंट आया कि भाई का, वो मैं आपको बताता हूँ क्या कमेंट आया। एक भाई का कमेंट आया कि अपाचे जो मेरी बाइक है उसके अंदर TVS Ntorq का ये ब्लूटूथ एनेबल्ड स्पीडोमीटर इंस्टॉल करके बताओ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, वो भी अपनी अपाचे RTR में उसको इंस्टॉल कर पाएँ। तो इसी काम में मैं लगा हुआ था, अराउंड इसको हो गए करते करते काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसकी इंस्टॉलेशन में, मैंने अपाचे में इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें मैंने अभी तक ज़्यादा कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं किए, कोई भी वायरिंग से छेड़छाड़ हाँ आप कह लो या फिर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन उसमें अभी तक हमने नहीं किए, सिर्फ जो इजी प्लग इन प्ले वाली चीज़ें होती है वही हमने उसके अंदर लगाई। इसमें पल्सर में हमने सब कुछ ट्राई करके देखा, लाइक हेडलाइट इसका पूरा आगे का वो जो मास्क आता है वो पूरा रिमूव किया हुआ है, जो स्टॉक जो कंपनी की तरफ से मिलता है वो भी। फिर उसके अंदर मैंने 13 LED हेडलाइट वगैरह सारा चीज़ मॉडिफिकेशन इसमें की थी और उसके साथ में जो भी इसकी वायरिंग से छेड़छाड़ भी हुई है, तो वो सब करने के बाद तो मैंने डिसीज़न यही लिया कि इसी में ये स्पीडोमीटर इंस्टॉल करके देखें, अगर प्रॉपर काम करता है तो फिर हम अपाचे में या किसी भी बाइक में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि फ़ीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। आप जानते ही होंगे जो कि TVS Ntorq जो यूज़र हैं जिनके पास स्कूटर है वो, अब इसमें जब से आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें स्पीड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इंटरनेट पे कहीं कोई वीडियोस नहीं है जो किसी ने इसको अपने बाइक में लगाया हो। पहले जो है, पहले मैंने इसमें जो स्पीडोमीटर इंस्टॉल किया था उसका वीडियो मैंने बनाया था, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, काफ़ी अच्छा चला है। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, उसमें हमको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जो सेंसर होता है इसमें यूनिवर्सल जो स्पीड सेंसर आता है उसके साथ एडजस्टमेंट करने होते हैं, मैग्नेट्स को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग कि हमारी बाइक की स्पीड वगैरह जो प्रॉपर ये शो करे। अभी सीन क्या हो रहा है, वायरिंग वगैरह सब मैंने इसमें बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन सब कर दिए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ स्पीडोमीटर को लेकर के, बारीकी जो सारा सिस्टम है सब कुछ शानदार काम कर रहा है नो डाउट, बट इसमें स्पीड में क्या प्रॉब्लम हो रही है जो कि आप देखो, बाइक में जितनी स्पीड से चलाता हूँ उसका डबल कर लीजिए आप, मतलब डबल इन द सेंस जैसे 10 की स्पीड में चल रही तो यहाँ पर 1 शो करेगा, 20 की स्पीड में चल रही तो यहाँ 2 शो करेगा, मतलब हाफ़ भी क्या, हाफ से कम ही हो गया है काफ़ी, मतलब जैसे एक डिजिट आ रही है इसके पीछे 0 लगा लो तो जो इसकी एक्चुअल स्पीड जो है पता चलने लगेगी बाइक में। अभी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये जो सोल्यूशन मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रहा हूँ उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अगर कोई TVS Ntorq यूज़र हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आई नीड योर हेल्प ताकि मैं इसके सिस्टम को समझ पाऊँ कैसे इसमें स्पीड सेंसर वर्क करता है। मैं सर्विस सेंटर गया बट ना तो उनके पास स्पीड सेंसर है ना उनको कुछ बताते हैं, उन्होंने कोई मतलब ऐसे हेल्प नहीं की है। अभी ये स्कूटर जो है नया नया मार्केट में आया है तो इसके पार्ट्स भी नहीं है अवेलेबल, हो सकता है आगे हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, बाकी तो वो करके रहना है मेरे को क्योंकि ये स्पीडोमीटर मेरे को इतना समझ में इस तरह से आया, इसकी
क्योंकि इसमें ब्लूटूथ एनेबल्ड है, हमको सारी नोटिफिकेशन वगैरह अलर्ट्स ये यहीं पर शो करता है सारे। आपने इसके फीचर्स देखे होंगे ऑलरेडी अगर आपके पास है तो, और अदरवाइज आप इसको यूट्यूब पर भी जा कर के देख सकते हैं। इसमें जो भी हमको मैसेजिंग अलर्ट इसमें आ जाता है, मिस कॉल अलर्ट आ जाता है, किसी का कॉल आ रहा था उसको नोटिफिकेशन हमको मिल जाती है और कॉल आता है तो ये लाइट यहाँ पर ग्रीन कलर की एक लाइट है जो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम राइडिंग के टाइम पे भी एकदम नोटिस कर पाते हैं कि हाँ हमें कॉल आ रहा है, अटेंड करना है ऐसा कुछ। तो परफेक्ट स्पीडोमीटर है ये। और ये जो टेम्परेचर का है इसका, ये भी मैंने इसमें कनेक्ट करके देखा बट ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है पल्सर में। आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा है। इसकी वायरिंग डायग्राम जो है मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहते हैं इसको इंस्टॉल करना, बट कॉम्प्रोमाइज़ अभी यहीं पर है बॉस कि एक तो इसमें आरपीएम आप नहीं देख सकते हो, आरपीएम मीटर है, छोटा सा आरपीएम मीटर अलग से आता है जो आपको बैंगवुड वगैरह पे मिल जाएंगे, चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं आरपीएम देखने के लिए। बाकी स्पीड तो ज़रूरी होती है यार, आरपीएम इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा रेगुलर, हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पे बात करें, हम राइड वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इतना हम लोग नोटिस नहीं करते हैं आरपीएम कितना जा रहा है गाड़ी का क्या है, राइड से ही मतलब रखते, इतना ज़्यादा नोटिस मैं तो नहीं करता, आप करते हो तो बात अलग है। तो चाहे तो हम उसको एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। बाकी स्पीड हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कितना स्पीड में हम बाइक चला रहे हैं सारा चीज़, तो वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है गाइज़ वो है फ्यूल, जो इसका फ्यूल गेज है वो हमको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देखना कि कितना फ्यूल है और क्या एवरेज वगैरह सारा चीज़। बाकी इसके मोड्स जो स्ट्रीट मोड्स वगैरह वो काफ़ी अमेजिंग है। तो ऑलमोस्ट जो ये स्पीडोमीटर है काफ़ी अच्छा स्पीडोमीटर है अपने बाइक के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, बट बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसका स्पीडोमीटर वाला सेंसर जो है वो इसमें एक्चुअल नहीं सेटिंग नहीं बन पा रही, जिस वजह से ये एक्चुअल स्पीड शो नहीं कर पा रहा, बस यही एक इसमें इशू है। तो अभी मैं लगा हुआ हूँ, जल्द से जल्द वो जैसे ही हो जाता है और उसके बाद भी तो देखते हैं। काफ़ी मैंने अभी तक देखो मैंने R15 में भी इसको लगाने की कोशिश की, उसका सेंसर मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश की, रिज़ल्ट ज़ीरो, यही सब वही सेम हो रहा है। अभी क्या हुआ है, जितने भी नई बाइक्स और जितने भी स्कूटर्स आ रहे हैं ना ABS वर्जन्स में, अभी इन लोगों ने क्या किया, जो स्पीड सेंसर है ना वो ABS के साथ ही लिंक्ड होता है, आई थिंक ऐसा मैंने पूछा तो मुझे पता भी चला। जो सेंसर जो है अब वो स्कूटर्स में तो इंजन के अंदर ही है कि अगर आप थ्रॉटल भी देंगे एक्सेलरेट करेंगे तो इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग ये, रियर व्हील की स्पीड के अकॉर्डिंग ये शो करता है। तो ये चीज़ें हो चुकी है, अभी नई बाइक्स में भी ये चीज़ें आ रही है, यामा की बाइक्स में भी मैंने देखा, तो वो भी ABS के साथ ही स्पीड सेंसर कनेक्टेड होता है, वो कपलर के साथ ही। थोड़ा सा हमको वो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे बट एक आइडिया तो मिले कि यार कैसे ये कनेक्ट हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है सारा चीज़, तो एक वो चीज़ है। वो जैसे ही क्लियर होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको भी लगा सकते हो इजीली। टेम्परेचर मीटर का सीन ऐसा है कि बाइक खड़ी रहेगी तो ये फुल बताता है, बाइक चलने लगती है तो पता नहीं अपने आप, अभी देखो आप पहले ये फुल बता रहा था अभी ये कम हो गया है अपने आप, तो ये कुछ गड़बड़ियाँ कर रहा है। और किस प्राइस पे मैंने इस स्पीडोमीटर को लिया था, तो ये मैंने बिल्कुल नया फ्रेश परचेज़ किया था TVS सर्विस सेंटर से, जिसके जो प्राइस मुझे मिली है 6700 समथिंग कुछ की है, तो ऑलमोस्ट 7000 के अराउंड आपको ये पड़ेगा। आप कहीं से सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं अगर आप लगाओ, बट सिर्फ आपको अगर फीचर्स नोटिफिकेशन वगैरह देखने हैं, तो बाकी अगर आप स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो। अभी इसका मैंने ये देखा है डबल बिल्कुल एग्जैक्ट चलता है 80, मतलब अभी 80 की अप्रॉक्स 80 की स्पीड होगी तो ये 8 शो कर रहा है, और अभी हम कम कर देंगे तो उस हिसाब से ये जो है 70 होगी तो ये इतना हो जाएगा, फिर 60, और स्लो करते हैं, मैं थोड़ा स्लो गिरते हैं। बाकी एक्चुअल मैंने बाइक से मतलब मिला करके देखा है, जो बाजू में बिल्कुल एक सेम पैरेलल बाइक राइड करके, कि ये शो कर रहा है जो एक्चुअल कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इसमें पीछे की एक ज़ीरो डिजिट लगा दो आप तो ये एक्चुअल स्पीड शो करेगा अभी, बस ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वायरिंग सिंपल है, वायरिंग डायग्राम मैं आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यही सारी बातें थी, और काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियोज़, यही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था। अभी वापस रेगुलरिटी रखेंगे हम लोग, जल्द से जल्द अब सारा वीडियोस वगैरह बनाएंगे, जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, नहीं हुआ तो एटलीस्ट वीक में एक तो डेफिनेटली हम करने वाले हैं।
और स्पीड में आप देखोगे जैसे जैसे ज़्यादा फास्ट करते हैं ना हम लोग, तो ये ऊपर आप देखना अभी 11 एकदम से फिर ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जैसे अभी अब 12 हो जाएगा ये देखो। एंड जबकि इतनी स्पीड नहीं होगी इसकी, 120 की भी नहीं होगी, तो अभी जो स्पीड होगी इसकी अराउंड 105-110 लास्ट। एक वीडियो और देखा था मैंने, वो एक्टिवा में किसी भाई ने इंस्टॉल किया था, उनका तो इतना भी स्पीड शो नहीं कर रहा था, हाईली 5-4-6 ऐसा कुछ, तो प्रॉब्लम उनको भी आई थी, स्कूटर में भी इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आई थी। इसलिए मुझे इसमें ऐसा लग रहा है सेंसर का थोड़ा सा और इसमें देखना पड़ेगा कैसे इसका सेंसर वर्क करता है, कैसे इंस्टॉल होता है सारा चीज़, फिर चाहे हम उसको जा कर के कुछ चेंजेस करके इसको प्रॉपर रीडिंग ले पाएँ इसकी। अभी लेते हैं इधर से यू टर्न, जल्दी जल्दी आ, ये देखो अभी अभी बिल्कुल 20 की स्पीड पे ही है ये, एक्चुअली 2 शो कर रहा है। अब जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम 30, ये 40, यहाँ तक बिल्कुल सही, 80 तक ये बिल्कुल सही जाता है, 80-90 तक, उसके ऊपर तो फिर ये फास्ट 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 कवर करता है। तो ये चीज़ भी हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि प्रॉपर जो है इसकी मेज़रमेंट हो रही है स्पीड की। ये देखो 12, कहीं से भी 120 की स्पीड नहीं होगी अभी इसकी। और अगर कोई सजेशन आप लोगों के पास है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो इधर नीचे शो हो रही है, वहाँ जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और कोई भी आइडिया या सजेशन है तो प्लीज़ इसके लिए, कोई सोल्यूशन के लिए तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करिएगा, ताकि इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर पाएँ। अगर ये प्रॉपर वर्क करता है तो इसके बाद मैं इसको इसमें से रिमूव करके अपनी अपाचे RTR में इंस्टॉल करूँगा। बाकी लुकिंग वाइज इसमें ज़्यादा मैच कर रहा है ये, क्योंकि इसका फ्रंट पूरा मास वगैरह रिमूव किया हुआ है हमने, लाइट वगैरह सारा जो है चेंज किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा अच्छी लुकिंग आ रही है इसकी। अब पाचे में करने के लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, जो आगे का स्पीडोमीटर वाला जो डैश है वो रिमूव करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ये सब अपनी बाइक के अंदर, तो गाइज एक बार सोच लीजिए कहीं ये डिसीज़न महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि स्पीड और RPM को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेटिंग अभी तक बैठ नहीं पा रही है मुझे, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने यूनिवर्सल सेंसर इसमें यूज़ करके देखा है, जो कि यूनिवर्सल बाइक के लिए आता है, मैग्नेट्स आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए ताकि प्रॉपर रीडिंग शो करे, बट भाई साहब वो भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो अगर आप डिसीज़न ले रहे हैं ऐसा कुछ अपनी बाइक के अंदर ये वाला स्पीडोमीटर इंस्टॉल करने का, तो सोच समझ के करिएगा। और इसमें अभी जो मैंने स्पीडो सेंसर यूज़ किया है वो ओरिजिनल बजाज का ही है, जो पल्सर 180 में आता है ऑलरेडी, क्योंकि यूनिवर्सल से ज़्यादा अच्छी ये चीज़ शो कर रहा है अपना। यूनिवर्सल में तो 1 या 2 के ऊपर भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, अभी इसमें एटलीस्ट 11 तो पहुंच रहा है ये। और अभी आप देखो इसका इंजन टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा फास्ट चला रहा हूँ अपने आप वो कम होते चले जा रहा है, कूल होती चली जा रही है बाइक, जबकि पहले कूल थी, अभी इसको गर्म होना चाहिए तो उल्टा रिवर्स ये शो कर रहा है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसमें। अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो पुराना वाला स्पीडोमीटर ही इसमें इंस्टॉल करेंगे। मौसम कितना शानदार हो रहा है, अब तो वैसे भी बारिश आने वाली है जल्दी, तो ऐसा ही मौसम बना रहेगा।
सो गाइस ये था आज का व्लॉग, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।